हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रारंभिक विद्युत स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं जैसे विद्युत धारा क्या होती है वोल्टेज क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है ये तीनों ही टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरा ध्यान से देखें ठीक है और जो भी डाउट हो आप लोगों को वो सारे कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं ठीक है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट करंट किसको बोलते हैं यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का बहना ठीक है इलेक्ट्रॉन्स का बहना इलेक्ट्रॉन्स का बहना मतलब जैसे कोई तार में से या कोई कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वही एक आपका करंट होता है ठीक है तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यदि आप बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको कुछ भी नहीं पता बेसिक चीज़ें है ना तो इलेक्ट्रॉन्स का बहना है आपने डेफिनेशन तो बता दी यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स का बहना करंट होता है फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट ठीक है तो इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को इसकी परमाणु संरचना देखना पड़ेगा ठीक है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर बोला जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आप लोगों को ठीक है परमाणु संरचना तो यदि आप लोगों ने सबसे पहले और बेसिक में चले जाएं हम लोग तो पदार्थ जो होते हैं उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं ठीक है ठोस द्रव और गैस ये आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में ठोस द्रव गैस ठीक है जिनके अणु आपस में बहुत ज़्यादा बल से जुड़े रहते हैं वो ठोस बनते हैं यदि उनके बीच में आकर्षण बल कम रहता है तो वो द्रव बनते हैं और ये जो है यदि और दूर दूर हैं तो वो गैस का रूप ले लेते हैं ठीक है तो यदि हम ठोस की ही बात करते हैं सिर्फ़ तो इन ये जो हैं एक छोटे छोटे अणु से मिलकर बने होते हैं ठीक है ठोस पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं अब वो जो अणु है अब वो जो अणु है वो भी एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो उस परमाणु की बात कर रहे हैं अपन ठीक है कन्फ्यूज़ नहीं होना वहीं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वहीं पर हम लोग पहुँचेंगे मगर उसके पहले हम लोगों को परमाणु संरचना पढ़ना पड़ेगा तो कोई भी पदार्थ है वो अणु से मिलकर बने हैं अणु जो है परमाणु से मिलकर बनते हैं अब परमाणु के अंदर देखते हैं परमाणु जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठीक है तीन चीज़ों से मिलकर आपका एक परमाणु बनता है अब इलेक्ट्रॉन मिल गया अब इसका क्या रोल है कैसे ये फ्लो होता है कैसे करंट होता है वो सारी चीज़ देखेंगे तो परमाणु जो रहता है उसकी बीच में उसकी बहुत सारी कक्षाएं होती हैं उसका जी बीच वाला भाग होता है ये इस टाइप से आप लोगों ने देखा होगा बीच वाला जो भाग होता है उसका नाभिक कहलाता है ठीक है तो नाभिक में जो रहता है आपका एन से मैं बता रहा हूँ न्यूट्रॉन और पी से बता रहा हूँ मैं प्रोटॉन को तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो उसके नाभिक में रहते हैं और उसके आजू बाजू उसके बाजू बाजू जो कक्षाएं होती हैं यहाँ पर रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स ठीक है उसके आजू बाजू जो कक्षाएं रहती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो ये आप लोग इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं यही जो इलेक्ट्रॉन है ये ये फ्लो होते हैं बहते हैं उसी के कारण आप लोगों की विद्युत धारा फ्लो होती है तो ये थोड़ा सा और इसमें देख लो आप चाहें तो इसकी परमाणु कक्षा जो पहली वाली कक्षा होती है उसको के नाम दिया गया है के एल एम एन इस प्रकार से और कक्षाएँ होती हैं तो उसमें ये सब नाम दिए गए इसमें भी परमाणु भरने का इलेक्ट्रॉन भरने का एक फार्मूला होता है टू एन स्क्वायर को ठीक है मतलब पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं दूसरी में आठ आते हैं तीसरी में अठारह आते हैं इस क्रम से ये चलता है तो यही जो इलेक्ट्रॉन है इनके फ्लो होने के कारण ही करंट फ्लो होता है अब इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं जो कि फ्री होते हैं ठीक है यदि पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कोई यह फ्री नहीं है दूसरी में आठ है यहाँ कोई फ्री नहीं है यहाँ पर अठारह है यहाँ कोई फ्री नहीं है तो ये इनका एक क्रम है तो यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे बट इनसे ज़्यादा या कम कुछ भी होते हैं तो वो आप लोगों के फ्री इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में आ जाते हैं ठीक है तो इसके आगे देखते हैं कि कॉपर तांबे का आप लोगों ने देखा होगा कि तांबा सबसे अच्छा चालक माना जाता है उसको सी से बताते हैं कॉपर ठीक है तांबा जो है वो सबसे अच्छा चालक क्यों माना जाता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है उनतीस उनतीस होता है मतलब पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरी में आठ आएंगे तीसरी में अठारह आएंगे कितने होगा गए दस और आठ अट्ठाइस ठीक है अठारह हो गए और बचा कितना एक मतलब चौथी कक्षा में आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन तब ये एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है फ्री रहता है और इस फ्री होने के कारण ही यहाँ पर इसमें चौथी कक्षा में आ रहा है चौथी कक्षा में इससे नाभिक जो आकर्षण बल है वो भी बहुत कम रहता है तो उसके कारण यहाँ पर क्या है ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो जाता है एक प्रकार से ठीक है तो ये जो है बहुत ही फ्रीली मूव कर पाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपका करंट फ्लो होता है ये हो गई इसकी परमाणु संरचना मेरे को ये पूरी कहानी इसलिए बताना पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए न नहीं तो आपके दिमाग में वही कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या बला है तो आप विद्युत धारा समझ गए सिंपल डेफिनेशन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है अब इसमें बेसिक जानकारी और देख लीजिए करंट कब फ्लो होता है ठीक है करंट जब फ्लो होगा जब आपके सर्किट के अंदर कोई लोड लगा हो ठीक है जैसे नॉर्मली आपने कोई सॉकेट में आपने चेक किया तो वहाँ पर आपको सिर्फ वोल्टेज मिलेगा करंट नहीं मिलेगा करंट कब मिलेगा जब आप इस सर्किट में आपने कोई बल्ब लगाया ठीक है इस बल्ब लगाया और ये बल्ब आपको चालू किया तो ये बल्ब जल गया तो यहाँ से तो आप वोल्टेज चेक कर सकते हो बट इस तार में कहीं भी आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपको करंट मेज़र हो पाएगा और यदि ये कुछ भी नहीं लगा है तो यहाँ से सिर्फ वोल्टेज ही मेजर होगा तो ये जो बल्ब है या कोई भी इक्विपमेंट है फ्रिज टी या कोई भी मोटर ये आपका एक लोड की तरह काम करती है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट आप लोगों को अभी से यहाँ क्लियर होना चाहिए जब सर्किट के अंदर लोड लगा है लोड लगा है तो ही आप लोगों का करंट फ्लो होगा है ना लोड लगा है तो ही करंट फ्लो होगा यदि लोड नहीं लगा है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा ठीक है तो यहीं से ये वोल्टेज हो गई वोल्टेज भी आप लोग समझ गए यहाँ से वोल्टेज और ये करंट दोनों चीज़ हो गई इनके बारे में और चीज़ देख लेते हैं यदि डेफिनेशन की बात की जाए तो वोल्टेज मतलब जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों में सिरों के विवाहों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है मतलब ये यहाँ का अंतर जो रहता है इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस विवाहान्तर पोटेंशियल डिफरेंसेस जिसे कहा जाता है बस यही आपका जो डिफरेंस आता है जैसे आप चेक करते होंगे 230 वोल्ट 240 वोल्ट 220 वोल्ट तो यही आपका वोल्टेज रहता है और यदि आप लोड लगा देते हैं तो वो एक करंट हो जाता है ठीक है तो वोल्टेज और करंट दोनों की डेफिनेशन बता दी है मैंने आप लोगों को अब देख लेते हैं इनको कैसे शो करते हैं या साइड में लिख लेते हैं धारा विद्युत धारा लिख देते हैं करेंट को बोला जाता है विद्युत धारा ठीक है इसके बाद विद्युत धारा को किस चीज़ से शो किया जाता है उसको आई से उसका सिंबल जो है वो आई होता है इस प्रकार वोल्टेज वोल्टेज जो है इसको वी से बताते हैं ठीक है करंट जो रहता है उसकी यूनिट यूनिट पूछी जाती है इकाई क्या होती है इसको नापा जाता है एमपीअर में ठीक है और वोल्टेज को वोल्ट में ठीक है और भी और चीज़ देख लेते हैं इसको किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है तो वो होता है अमीटर अमीटर बोल सकते हो एम्पियर मीटर बोल सकते हो और इसको किस चीज़ से नापा जाता है वोल्ट मीटर से वोल्टेज को वोल्ट मीटर से विद्युत धारा को अमीटर से इसको काय से शो करेंगे करंट को आई से वोल्टेज को वी से इसकी यूनिट क्या होती है एमपियर में कितने एमपियर का करंट फ्लो हो, हो रहा है कितने वोल्टेज का वोल्ट कितने वोल्ट का वोल्टेज है यहाँ पर इसको हम मीटर से नापते हैं इसको वोल्ट मीटर से नापते हैं ठीक है एक और चीज़ है ये जो है विद्युत धारा जिसको अमीटर से नापते हैं ये सर्किट में किसी भी सर्किट में और भी हम लोग आगे देखेंगे बट अभी यहाँ से बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोग देख लें किसी भी सर्किट में श्रेणी क्रम में लगा रहता है श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे यहीं से क्वेश्चन आते हैं बट आगे और कैसे सर्किट में लगाया जाता है वो आगे वाले चैप्टरों में हम लोग देखेंगे बट अभी यहाँ से आप लोग देख लें श्रेणी क्रम में और यही आपका वोल्ट मीटर की बात कर लें तो ये आपका लगा रहता है समांतर क्रम में ठीक है इसको बोला जाता है पैरेलल में ठीक है कैसे लगता है ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे बट यहाँ से आप लोग इतनी चीज़ें तो देखते जाएँ ठीक है एक और चीज़ हम लोग इसी वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं कि रजिस्टेंस या रजिस्टर रेजिस्टेंस क्या होता है ठीक है रजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो अपोज द फ्लो ऑफ करेंट ठीक है ये जो है विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है आपका रजिस्टेंस कहलाता है ठीक है जैसे एक करेंट आपका सीधा सीधा फ्लो हो रहा है यहाँ पर अब मैंने इसके बीच में ये इस प्रकार से कुछ रिकॉवट लगा दी ठीक है तो ये क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं सीधे रास्ते से जा रहा था अब मैंने इसका रास्ता आड़ा तिरछा कर दिया तो ये एक प्रकार का क्या हो गया प्रतिरोध हो गया ठीक है प्रतिरोध मतलब आपका रेजिस्टेंस इस का काम क्या है करंट की मात्रा को कम करना उसको रुकावट डालना ठीक है करंट फ्लो होगा बट उसमें कुछ कम करंट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या है आपने देख लिया अपोज द फ्लो ऑफ करंट विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है इसको कैसे बताते हैं आर से बताते हैं इसकी यूनिट यदि बात की जाए तो काय में नापते हैं इसको ओम में ओम इसकी यूनिट होती है ठीक है इसके बाद इसको यदि नापा जाए रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस किस चीज़ से नापा जाएगा आप लोग एक देखेंगे यदि हाई रेजिस्टेंस की बात होती है तो मेगर वगैरह एक यंत्र होता है उससे इससे रेजिस्टेंस को नापा जाता है ठीक है इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि तीन चीज़ मैंने बता दी है विद्युत धारा वोल्टेज रजिस्टर ठीक है रजिस्टेंस ये तीनों बेसिक चीज़ें हैं बेसिक चीज़ आप लोगों को तीनों पता हो गई हैं यहाँ से है ना और भी कुछ देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे सबसे अच्छा चालक क्या होता है कॉपर होता है कॉपर क्यों होता है उसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिससे करंट आसानी से फ्लो हो जाए करंट क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ठीक है परमाणु संरचना देख लिया आप लोगों ने है ना ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि आप बेसिक आई टी आई का कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें परमाणु संरचना से पहली कक्षा को के बोलते हैं फार्मूला क्या है टू एन स्क्वेयर है पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन दूसरी में अठारह इस फार्मूले में आप रख सकते हैं जैसे ये दो कैसे आया पहली कक्षा में एन की जगह आपने रख दिया वन तो टू इन टू वन का स्क्वायर मतलब कितना हो तो गया टू दूसरी कक्षा में कितने आएंगे आठ इलेक्ट्रॉन है ना तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं तो आगे ही और भी इसी प्रकार से वीडियो में पूरे चैप्टर जो भी हैं वो पूरे कवर कर लेंगे बट आप लोगों को बेसिक पूरा क्लियर हो जाए ना फिर आगे वाले चैप्टर तो बहुत ईजी हो जाएंगे तो यदि आप लोगों को आ, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है टेक्निकल की आईटीआई की तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाते रहें और आप लोगों की पूरी तैयारी करवा सकें ठीक है तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो उसको लाइक करें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू